पांच हिस्से। एक बहुत बड़ा देश था, वहाँ एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराज उसको के खेत में आए। महाराज खड़े होकर देखने लगे कि वह कैसे ज़मीन में हल चला रहा है। फिर उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत के बाद महीने भर में कितना कमा लेते हो? 80 रुबल महाराज, किसान ने अदा के साथ उत्तर दिया। और इन 80 रुबल को खर्च कैसे करते हो? महाराज ने पूछा। महाराज, मैं पूरे पैसों के 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य के कर चुकाने में जाता है, दूसरा हिस्सा से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा हिस्सा मैं उधार देता हूँ, चौथा हिस्सा से घर का खर्च चलाता हूँ और पांचवा हिस्सा मैं दान दे देता हूँ। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पाए कि कोई व्यक्ति हर महीने उधार भी दे सकता है। उन्होंने किसान से कहा, एक हिस्से से तुम राज्य के कर चुकाते हो, एक से घर का खर्चा चलाते हो। यह बात समझ में आई, लेकिन बाकी के 3 हिस्सों वाली बात समझ में नहीं आई। जरा ठीक से समझाओ। महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया, सब सिखाया। उन्होंने जो कुछ आज तक मेरे लिए किया वह मेरे ऊपर उदार है। अब बारी है उनकी सेवा करने की, इसलिए एक हिस्सा मैं उनकी देख रेख पर खर्च करता हूँ। इस तरह मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। अब उधार देने वाली बात, मेरा एक बेटा है, आज उसके खाने पीने की, पढ़ाई की और बाकी सारी ज़रूरतों पूरी करता हूँ। इस तरह मैं उसे उधार दे रहा हूँ। कल को जब वह बड़ा होगा तो वो हमारी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता की करता हूँ। और तब मैं समझूंगा कि मेरा उधार चुक गया। रही बात दान देने की, तो यह एक हिस्सा मैं अपनी बेटी के लिए खर्च करता हूँ। जब वह बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा। वह हमें छोड़कर चली जाएगी। इस तरह जो कुछ भी मैं उसके लिए करूंगा, दान समझकर ही करूंगा। पूरी बात समझने के बाद महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मान लिया कि किसान बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब है। उन्होंने किसान को अपना नया मंत्री मान लिया। उन्होंने किसान को अपना नया मंत्री नियुक्त कर लिया।